नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल के अनदर प्रोडक्ट जो कि आप घर में यूज कर सकते हैं, और दोनों ही ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, और ये प्रोडक्ट काफी घरों में यूज हो भी रहे होंगे और कई लोग इन्हें खरीदने का प्लान भी बना रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर है और एक हैंड ब्लेंडर है। दोनों ही अपनी जगह काफी बढ़िया प्रोडक्ट हैं और इनका उपयोग आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं वो जानकारी सब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि आप कहां से इन दोनों प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो हमने ये जो प्रोडक्ट हैं वो काफी कम प्राइस में हमारे दोस्त की दुकान से खरीदे हैं, और जो हमारा दोस्त है उसकी शॉप है वो लोग डिलीवरी वेबसाइट और ऐप से ये सभी प्रोडक्ट खरीदता है, और हम उनसे काफी कम कीमत में खरीद लेते हैं क्योंकि लोग डिलीवरी ऐप और वेबसाइट से उसे काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है और फ्री डिलीवरी जैसी सुविधा मिल जाती है, जिससे कि उससे काफी टाइम और पैसे की बचत हो जाती है। अगर आप भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लोग डील ऐप या वेबसाइट से कोई भी इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। इसके लिए आप उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, या स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर उन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस और डिस्काउंट ऑफर वगैरह जान सकते हैं। तो चलिए अब हम इन प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और जान लेते हैं इन प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे दोनों बॉक्स हमने रखे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो हैंड ब्लेंडर वाला बॉक्स है ये काफी छोटा है क्योंकि आपको पता ही है कि ये सिर्फ ब्लेंडिंग का ही काम करेगा, लेकिन जो जूसर मिक्सर हमारी ग्राइंडर है ये तीन काम करेगी। जैसे कि अगर आप इसके अंदर जूस निकालना चाहते हैं तो जूस भी निकालेगी, और अगर कोई आपको मिक्स करना है कि या कोई भी ग्राइंड करना है, जैसे कि हम कोई भी मसाला वगैरह को ग्राइंड करते हैं, तो ऐसे ही आप अलग अलग तीन चीज़ों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और वहीं जो हम ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं ये हम ज़्यादातर, तो जैसे आपको ब्लेंडर का पता ही है, आप कोई भी दो चीज़ों को मिक्स करने के लिए ब्लेंडर का उपयोग कर सकते हैं। और अब हम सबसे पहले ब्लेंडर की ही अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्लेंडर के साथ में आप देख सकते हैं इसका यूज़र मैनुअल दिया गया है, और इसके पीछे ही इसका वारंटी कार्ड भी दिया गया है, और नीचे वेबसाइट वगैरह की काफ़ी जानकारी इन्होंने लिखी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय और इन्हीं कंपनी की काफ़ी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो हैंड ब्लेंडर का एक हिस्सा ये है और इसका दूसरा हिस्सा ये है, और यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है जो कि आप देख पाएंगे, जैसे कि इसकी पावर सप्लाई वगैरह ये कितनी वोल्टेज की है, यहाँ पर 130 वोल्ट लिखा हुआ है। तो बड़े ही आराम से आप छोटे से छोटे इन्वर्टर पर भी, जो हमारे घर में उपयोग होता है 750 VA के इन्वर्टर के ऊपर भी बड़े आराम से आप इसको चला सकते हैं। अब सिंपली आपको इसको कनेक्ट करना है इसके साथ में, तो ऐसे आपको ये लगाकर और घुमाना है, और ऐसे ये कनेक्ट हो जाता है, और वापस आपको अगर यूज करके रखना है तो वापस ऐसे आपको घुमा के इसे निकाल देना है, और फिर से आप इनको बॉक्स के अंदर बड़े ही आराम से पैक करके रख सकते हैं। तो काफ़ी छोटा प्रोडक्ट है जिसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वापस पैक करके रख सकते हैं, तो आपके घर के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। कुछ भी आपको ब्लेंड करना है तो इसकी मदद से बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जूसर मिक्सर ग्राइंडर में आपको जैसे ब्लेड मिलते हैं, वहाँ पर आपको शायद 4 ब्लेड मिलेंगे, यहाँ पर आपको 2 मिलते हैं, तो आप छोटा जो काम है वो इससे बड़े ही आराम से कर सकते हैं। और ये इसका बॉक्स है जिसके ऊपर इनके बारे में और इसके MRP के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो MRP इन्होंने 1,099 रुपये लिखा है, लेकिन आपको मार्केट में आपको ये 800 से 900 रुपये में बड़े ही आराम से मिल जाएगी, और अगर आप इसे सस्ता खरीदना चाहते हैं लोग डील वेबसाइट से भी इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए अब हम ओपन कर लेते हैं जूसर मिक्सर ग्राइंडर को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर वोल्टेज लिखी हुई है 450 वोल्ट। तो अगर आप अपने घर के 1 KVA के भी इन्वर्टर पर इसे चलाना चाहें तो बड़े ही आराम से इसे चला सकते हैं, और यहाँ पर इसका MRP लिखा हुआ है जो कि 4,399 रुपये है, लेकिन मार्केट में आपको ये लगभग 3,300 रुपये के लगभग मिल जाती है, 3,300 से 3,500 रुपये के अराउंड मिल जाती है। और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो सारी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है, और इसका मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है JMG 3345। तो चलिए अब हम फटाफट इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग की गई है, और यहाँ पर एक तरफ इसका जूसर दिया गया है और दूसरी तरफ यहाँ पर इसके जार दिए गए हैं, और ये जो इसका जार है छोटा साइज का, ये हमेशा ग्राइंडिंग का काम करता है, और ग्राइंडिंग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पर इसका जो
पेस है ये प्लास्टिक का है और ये स्टील का है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया दी गई है। ये इसका बड़ा जार है जिसे हम मिक्सर के लिए यूज करते हैं, और इसका बेस और जो इसकी बॉडी है ये प्लास्टिक की दी गई है, और यहाँ पर इसकी मार्किंग की गई है कि कितना लीटर आप इसके अंदर जो भी दूध या पानी डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो मार्किंग है वो आप देख सकते हैं। तो बड़े ही आराम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 1 लीटर होगा, यहाँ पर आधा लीटर होगा, और इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है। और इस बॉक्स के अंदर इस जार के ढक्कन दिए गए हैं, और ये कंप्लीट इसका जूसर पैक है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सेट ही आता है पूरा, तो आपको खोलने के लिए इनको हटाना पड़ता है, और ऐसे इसे घुमाकर आप हटा सकते हैं। इसके अंदर भी यहाँ पर जूसर का ही सामान दिया गया है, जैसे कि अगर आप इसके अंदर कुछ डालते हैं, यहाँ से कुछ डालते हैं तो इससे आप प्रेस करके और नीचे की तरफ दबा सकते हैं, और बुर्च वगैरह दिया गया है इसी के अंदर, जिससे कि आप इसकी जाली की जो सफाई है वो करेंगे। और यहाँ पर इसके ऊपर आपको 4 बटन दिए जाते हैं, चारों ही अलग अलग स्पीड के हैं, और ये पल्स के लिए होता है। अगर आप मान लीजिए कि इसके अंदर आपने जूस बनाया है और उसे आप थोड़ी देर रखकर भूल गए हैं या आपने छोड़ दिया है, उसे दोबारा से एक झटके के साथ में अगर आपको मिलाना है तो आपको एक बार सिर्फ ये प्रेस करना है। ये प्रेस करते ही एक बार ये चल जाता है, क्योंकि अगर आप ये प्रेस करेंगे तो ये प्रेस ऐसे प्रेस के प्रेस रहते हैं और कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन ये प्रेस नहीं रहता है, ये पुश बटन की तरह काम करेगा, और इसे आप दबाएंगे और छोड़ेंगे, ऐसे दबाकर छोड़ेंगे तो एक एक बार ये चलता रहेगा। और यहाँ पर इसकी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये 3-4 दिए गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर भी इसे पढ़ सकते हैं। ये इसके साथ में केबल मिलती है और 3-पिन टॉप मिलता है जो कि 6 एम्पेयर का है, तो इसे भी आप नॉर्मल सॉकेट के अंदर लगाकर बड़े ही आराम से चला सकते हैं। और यहाँ पर इसके साइड में भी वार्निंग दी गई है जो कि आप पढ़ सकते हैं, जो कि इसका रीसेट स्विच के बारे में बताया गया है, जो कि इसके नीचे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे ये रीसेट हो जाती है, और इसके नीचे ही इसके बारे में और भी डिटेल यहाँ पर दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। यही जानकारी इसके बॉक्स के ऊपर भी दी गई थी। तो ये जूसर भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर तीनों काम करते हैं, जो कि जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर का काम करते हैं, तब आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा, और काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको ये देखने को मिलता है। और अगर आप इसकी जगह आपका थोड़ा बहुत ही काम है और ब्लेंडिंग का काम है, तो आप इस ब्लेंडर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये प्रोडक्ट भी आपको पसंद आए होंगे, और अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो लोग डील वेबसाइट या ऐप से खरीद सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि किसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।